हेलो एवरीवन, माय न्यू टॉपिक इज जीएम काउंटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में इससे पहले गैस फील्ड डिटेक्टर्स में रीजन बताए थे, उसमें मैंने आपको आयनाइजेशन चैम्बर भी बताया था। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रोपोर्शनल काउंटर, नाउ कम टू द जीएम काउंटर। ठीक है, आपको जीएम काउंटर मैंने बता रखा है। ठीक है, अभी तक हम पीछे वाले तीन होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो जीएम काउंटर होता है, सबसे पहले हम इसका एम देख लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये जो जीएम काउंटर है प्रोपोर्शनल काउंटर के फिफ्थ रीजन में वर्क करता है। तो फिफ्थ रीजन जो आया था वो कौन सा था आपका? गाइगर मूलर काउंटर, जो गाइगर मूलर रीजन बोलते हैं तो वो उसी का ही है जिसे हम बोलते हैं जीएम काउंटर। तो प्लीज जब भी आपका एग्जाम्स में आप ये प्रूफ करो, एग्जाम में आप ये करो, अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आपको वो डायग्राम जो रीजंस वाला है वो आप प्रोपोर्शनलिटी में भी बनाओगे, आयनाइजेशन में भी बनाओगे, जीएम काउंटर में भी बनाओगे। तो इससे क्या होगा कि वो एक डायग्राम जो रीजंस है वो सबको बता देगा कि किस रीजन में क्या हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले इसका एम डिस्कस कर ले। एम आपका है, एम है आपका, दिस इज अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर व्हेन इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर आयनाइजिंग रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा बीटा पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जो प्रोपोर्शनल काउंटर हमने डिस्कस किया था उससे पहले हमने किया था। तो ये अलग अलग, तो यहाँ पे जो हम डिटेक्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, यानी यहाँ पे रेडिएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, और जीएम काउंटर आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको मैंने ये बताया हमेशा जो इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे वो वोल्टेज जो इसकी जीएम काउंटर की होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी किसके, प्रोपोर्शनल काउंटर से। ठीक है, यहाँ पे ये हमेशा फिफ्थ रीजन में काम करता है जीएम रीजन। और जीएम रीजन में क्या होता है, आपकी जो इनिशियल यानी प्राइमरी आयंस है ना उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट रहता है। इससे पीछे वाला जब हमने रीजन पढ़ा था तो उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन प्रोपोर्शनलिटी में पढ़ा था, तो उसमें भी यही है कि इलेक्ट्रिक पल्स हाइट नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल आयनाइजेशन, मीन्स डजंट डिपेंड अपॉन द प्राइमरी आयन। प्राइमरी आयन इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है नंबर ऑफ आयन पेयर्स, यहाँ पे जो बनते हैं वो आपके काफी लार्ज होंगे बिकॉज सेकेंडरी जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं इसमें। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस्ड होते जाते हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होते जाएंगे, मीन्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो पीछे वाले से लेकर नेक्स्ट रीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, गैस फील्ड डिटेक्टर मैंने आपको बताया था इसका रीजन। इसके बाद है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है, आप सबसे पहले जीएम काउंटर क्या होता है, जीएम काउंटर की जो अप्लाइड वोल्टेज होती है, मिनिमम जो अप्लाइड वोल्टेज लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 1000 वोल्ट। कितनी लेते हैं, 1000 वोल्ट। लेकिन जीएम काउंटर का एक ये है कि अगर प्रोपोर्शनल काउंटर में हमने 700 to 1000 वोल्ट दी थी, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि आपको ग्राफ याद आ रहा होगा कि हमने ग्राफ में क्या किया था, अप्लाइड वोल्टेज और ये फर्स्ट रीजन था, यहाँ सेकेंड आया था, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ। तो फिफ्थ रीजन में क्या था, थोड़ी अप्लाइड वोल्टेज फिर ज्यादा हो गई थी जीएम काउंटर में हमने जब निकाला था, और वहां से क्या हुई थी, इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ जाके इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो यानी अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे जो लेंगे मिनिमम यहाँ काम करेगी कितनी, 1000, तो आप अप्लाइड वोल्टेज लोगे ही लोगे। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल है कि है ना यहाँ पे जो आयनाइजेशन आयंस होते हैं वो बहुत ही मात्रा में, मतलब कि है ना प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, आयनाइज कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई होता है, पल्स रेट भी इसकी हाई हो जाती है। इट मीन्स ये यहाँ पे जाके इसकी लिमिट जो होती है, जितनी आपको लिमिट चाहिए होती है वो एक्सीड कर लेता है, यानी लिमिट के आगे, यानी मीन्स एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है जहां वो डिस्चार्ज भी हो जाता है, इतने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। बट इन प्रिंसिपल में क्या है, इन जीएम काउंटर द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स द लिमिट सो दैट द डिटेक्टर ऑपरेट्स इन अ जीएम रीजन। इट मीन्स यू हैव टू राइट That is a GM reason. Reason आपका किस में काम कर रहा है, रीजन फिफ्थ में। ये मैं आपको पहले के प्रोसीजर में पूरा बताया था। ठीक है, देन चार्ज, चार्ज क्या करेंगे, कलेक्टेड इन नंबर ऑफ लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल आयनाइजेशन
द गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या करेगा, एम इज वेरी लार्ज इन द रीजन, एम जो मल्टीप्लिकेशन, आपको अब ये याद होना, ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस हुआ था, उस प्रोसेस में आपका क्या हुआ था, जो सेकेंडरी आयन्स थे वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहे थे जस्ट इसके पीछे वाले में, मीन्स वहां पे क्या है प्राइमरी आयन्स से सेकेंडरी, यानी प्राइमरी आप 1 दे रहे थे तो सेकेंडरी आपके 10 to 10,000 प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर टर्म दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, आयनाइजेशन आपकी गई, ठीक है। यहाँ पे जो सारा नंबर ऑफ इनिशियल जो भी डिपेंडेंसी शो करेगा, ठीक है, वो किस में करेगा, फैक्टर एम इज वेरी लार्ज इन दिस रीजन, और फैक्टर एम क्या होगा आपका बहुत ही लार्ज होगा इसमें, मीन्स सेकेंडरी आयन्स आपके बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होंगे। अ सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडिएशन एंटरिंग द चैम्बर कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन साइड द चैम्बर, तो यानी एक इतने ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे, लिमिट इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी आपकी, तो जो चैम्बर में यानी जो इलेक्ट्रिक जो हम इलेक्ट्रिक है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज भी हो जाएगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे आते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे क्या है, इससे पहले आप सेकेंडरी आयन्स ये सब प्रोड्यूस्ड देख लीजिए, सेकेंडरी आयन्स का क्या रोल था, ठीक है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गैस आयनाइज इट, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग, कि ये आपको पीछे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल पासिंग होती है गैस से, गैस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थी, इसमें भी एक कोई डिफरेंट गैस है, the ion pairs produced during ionization get accelerating under a high potential difference and produces further ionization, this ionization is called a secondary or indirect ionization and ultimately large number of ions are produced, it means यहाँ पे जो large number of ions क्या होंगे, produced हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी construction पे आते हैं, सबसे पहले ये आपका cylindrical copper tube है, ठीक है, जिसकी डायमीटर एंड लेंथ में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेम एज प्रोपोर्शनल काउंटर, अगेन जो ये डायग्राम है बिल्कुल सेम है एज इट इज जो मैंने पीछे ये, यानी इसमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। चेंज सिर्फ क्या होगा आपका, गैस का चेंज होगा एंड जो प्रोसेस हम रेडिएशन वगैरह डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज होगा। सो द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर क्या होगा इसका, 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वॉल है वो सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब का काम करेगी और जो आपकी ये है सेंट्रल वायर वो आपका एनोड का काम करेगी, मींस यहाँ पे सेंट्रल वायर एंड कैथोड के बीच में हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रल वायर एंड सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब के बीच में हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेटिंग प्लग्स, और इंसुलेटिंग प्लग्स क्या काम करता है कि जिससे इन दोनों के बीच में यानी कैथोड प्लस एनोड के बीच में दोनों में क्या होना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो। इसमें हम वोल्टेज लगाते हैं और वोल्टेज मैंने आपको अभी अभी बताया था कि मिनिमम वोल्टेज हम कितनी अप्लाई करते हैं, 1000 वोल्टेज, ठीक है। 1000 वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो कहाँ से जाएगी आपकी, जैसे ये आपका इंसुलेटिंग प्लग्स है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस एम्पलीफिकेशन, और यहाँ हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर। अब यहाँ हम डिस्क्रिमिनेटर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, जो अनवांटेड नॉइज सिग्नल होगा वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो यूजफुल सिग्नल्स है वो कहाँ भेजेगा, काउंटर्स में। तो यहाँ तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम एक जो इसमें गैस भरते हैं, अब यहाँ पे गैस की बात आ रही है, तो बेटा गैस हम कौन कौन सी इसमें करते हैं, ऑर्गन प्लस इथाइल एल्कोहल, ऑर्गन प्लस इथाइल एल्कोहल, और जो ऑर्गन प्लस इथाइल एल्कोहल है वो जो रेशियो में बढ़ते हैं हम 10:1 में करते हैं। हमने यहाँ ऑर्गन इसलिए लिए है क्योंकि ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, वो क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी इथाइल एल्कोहल के साथ। जो यहाँ पे ऑर्गन है वो प्रिंसिपल गैस का काम करती है और जो इथाइल एल्कोहल है वो आपकी क्वेंचिंग गैस का काम करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग में क्या होगा, आपने कोई रेडिएशन आयनाइज कोई करवाई, कोई भी है ना, आपने रेडिएशन डाला इसके ऊपर, रेडिएशन जो कि पार्टिकल्स है जो भी हैं, ठीक है, वो आपने इसके अंदर से इसके इंसिडेंट कराया। इसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, यहाँ पे ऑर्गन है और इथाइल एल्कोहल है, तो ऑर्गन को दे देंगे
और ऑर्गन को देना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ऑर्गन को देना स्टार्ट हो गया. अब ऑर्गन ने क्या किया, गैस के एटम, ऑर्गन एटम क्या हो गए, फर्दर आयनाइज होंगे, और फर्दर आयनाइज होके ये क्या करेंगे, सेकेंडरी आयन फॉर्म करेंगे. यानी जो ये ऑर्गन है, ऑर्गन के साथ जो हम रिएक्ट कराएंगे उसमें आयनाइज प्रोड्यूस्ड होंगे, और जो आयन्स होंगे ना वो और सेकेंडरी आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे. तो एक तरीके का जो इसमें प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाउनसेंड एवलांची. क्या बोलते हैं, टाउनसेंड एवलांची. अब सेकेंडरी आयन्स क्या करेंगे, सेकेंडरी आयन्स के साथ साथ ऑर्गन, सेकेंडरी आयन के साथ साथ ऑर्गन गैस एटम्स की एक्साइटेशन भी करेंगे. मींस आपको पता है जो भी एक्साइटेशन होती है वो ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. हम अब रेडिएशन का इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है. तो इससे क्या होगा, अगर एक्साइटेड को आप अगेन कहाँ लाओगे, ग्राउंड स्टेट में लाओगे, तो ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए वो क्या करेगा, फोटोन इमिटेट करेगा. और जो फोटोन आपको पता है क्या होता है, पैकेट ऑफ फोटोन आपके होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब वो फोटोन क्या करेगा, वो फोटोन आपकी जो ये मेटलिक वॉल है, ठीक है, मेटलिक वॉल है. अब फोटोन आपको पता है क्या होता है, एच व्यू. फोटोन क्या करेगा, जो आपकी मेटलिक वॉल है उससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा. और आपको पता है कि जो फोटोन अगर किसी भी चैम्बर या किसी से कोलाइड करता है या किसी सरफेस एरिया से, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट शो होता है, आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा, फर्दर टाउनेट जो एवलांची था वो प्रोसेस फिर करेगा. इट मीन्स यहाँ पे जो आयन्स प्रोड्यूस्ड होते जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस्ड होंगे. मीन्स बहुत ज्यादा आपके आयन्स इसमें प्रोड्यूस्ड होते ही जाएंगे, ठीक है. इसके बाद इतने ज्यादा आयन्स आपके प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मोर आयनाइज्ड होगा, इतना ज्यादा ऑर्गन कर लेगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. और वो जो डिस्चार्ज होगा वो आपका गाइगर डिस्चार्ज. इट मीन्स वो जो लिमिट है प्रोड्यूस्ड करने की, वो एक लिमिट पे आके एक्सीड हो जाएगी. मींस लिमिट से ज्यादा चला जाएगा. तो वहां पे जैसे ही लिमिट से ज्यादा जाएगा, वहां पे जो भी हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज रीजन में चला जाएगा. और डिस्चार्ज रीजन में जाने के बाद वो गाइगर डिस्चार्ज दे देगा. तो यहाँ पे इस तरीके का ही हमने किया था, ठीक है. इसमें अगेन यही है कि पॉजिटिव आपका यहाँ पे आयनाइज करेगा गैस के एटम्स के साथ, तो टू टाइप्स के प्रोड्यूस होते हैं, एनायन एंड कैटायन. एनायन जो होते हैं आपके यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव आयन्स है वो आपकी कॉपर ट्यूब की तरफ जाएगी जो कि कैथोड का काम करती है. जो नेगेटिव आयन है वो इसकी तरफ, मीन्स आयन्स आपके प्रोड्यूस होते जाएंगे, ठीक है. जैसे ही आयन सेकेंडरी आयन्स जो है बहुत हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस होते जाएंगे, वो कहाँ भेजेंगे, वो सारा प्रोसीजर करके नेगेटिव आयन वॉल से होती है, पॉजिटिव आयन किससे हो जाएगी, विद आर किससे हो जाएगी, इसमें. और यहाँ पे जो सूटेबल गैस है वो किस रेशियो में है, 10:1 में. उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे एम्पलीफिकेशन भेजेगा, डिस्क्रिमिनेटर में भेजेगा जो भी डिटेक्ट करना होगा. डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, जो अनवांटेड नॉइज सिग्नल्स हैं उसको रिमूव कर देगा, और जो यूजफुल सिग्नल्स हैं जो कि हमें डिटेक्ट करना है वो कहाँ भेजेगा, काउंटर्स में. जैसे ही यूजफुल सिग्नल्स इधर करके काउंटर में भेजेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा रेडिएशन को डिटेक्ट, कौन सा रेडिएशन इसमें डाला और कौन सा डिटेक्ट किया है, ठीक है. इसमें मैंने आपको इसका एम बताया है, प्रिंसिपल बताइए, कंस्ट्रक्शन बताइए, एंड इसकी वर्किंग बताइए. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिकवरिंग टाइम, डेड टाइम आगे का part 2 डिस्कस करूंगी. आप प्लीज जब तक यहां तक पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.